और अगली खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी, क्योंकि हरियाणा में एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज हो गई है। आज प्रदेश के कई जिलों में भारी प्रदर्शन किया गया है, पेंशन को बहाल करने की मांग की गई है। कैथल हो, कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, चरखी दादरी हो या फिर महेंद्रगढ़, हर जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। हमने आपको ये खबर कल ही दिखाई थी कि 16 अप्रैल की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है इन कर्मचारियों के लिए। ये आगे की रणनीति तय कर चुके हैं कि 16 अप्रैल को अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करेंगे। देख लीजिए, आपको इस वक्त 6 अलग अलग जिलों की हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कर्मचारी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों पंचकुला में भारी प्रदर्शन हुआ था, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कर्मचारी लगातार पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम को हरियाणा में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। फरवरी 2023 में ही ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था उसमें सभी का ध्यान खींचा था, लेकिन सरकार का ध्यान अब तक इस पर गया नहीं है। सरकार बार बार यही कह रही है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया, ओपीएस को लागू कर दिया गया हरियाणा में या पूरे देश में भी, तो आप मानकर चलिए कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमर टूट जाएगी। हिसार में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग हिसार के कर्मचारियों ने की है और इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो एक बड़ी रैली करने वाले हैं। एक बड़ी रैली की चेतावनी उन्होंने दिल्ली की दी है कि अगली रैली जो होगी, अगला विरोध प्रदर्शन जो होगा, एक बड़े स्तर पर होगा और राजधानी दिल्ली में होगा। कर्मचारियों ने राज्यपाल का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यहां कर्मचारियों ने सरकार से मांग पूरी करने की अपील की है। पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग को लेकर आज पूरे हरियाणा में कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। हिसार की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि हिसार में किस तरह से तमाम कर्मचारी नारेबाजी करके अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 2024 अब नजदीक है, ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने की सोच को लेकर ये तमाम कर्मचारी नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर पूरे हरियाणा में उतरे हैं। जिला लेवल पर इसी तरह के प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ विशेष तौर पर प्रदर्शनियां भी जो है इनकी तरफ से लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में क्या कुछ नजर आ रहा है, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। कुछ कर्मचारी वर्ग के नेतागण हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, क्यों प्रदर्शन करने की नौबत आई? सर, हम 2018 से पुरानी पेंशन की मांग सरकार से करते आ रहे हैं कि जो खुद 5-5, 10-10 पुरानी पेंशन लेकर के मलाई खा रहे हैं, इस देश के खजाने को, प्रदेश के खजाने को लूटते जा रहे हैं और कर्मचारी को एनपीएस नामक एक झुंझुना दे रहे हैं, 1200-1500 की पेंशन का नाम दे रहे हैं। एक्चुअली वो एन्यूटी है, ब्याज स्कीम है, हमारे ही पैसे को जबरदस्ती हमसे लिया जाता है और उसका नाम मात्र ब्याज जो आम मार्केट से भी कम है उसको हमसे दिया जाता है। तो उसके खिलाफ हम पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए 1,87,000 हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी, तमाम वर्ग का कर्मचारी आज सड़कों पर है और ये डिमांड कर रहा है। लोकतंत्र में मत का अधिकार है, हमारे पास मत का अधिकार है। यदि सरकार समय रहते हमारी पेंशन बहाल नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ वोट देंगे और जो सरकार जो पार्टी हमारी पेंशन बहाल करेगी उस पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल बहाल करना पड़े सरकार को, ये नहीं कहते आने वाली सरकार करेगी हमारी। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं इस वक्त हरियाणा सरकार के अंदर, उसमें से हमारे इस वक्त 60% जो है वो एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा दुर्दशा एक सरकारी कर्मचारी की नहीं हो सकती। बार बार सही डाटा आंकड़ा देने के बावजूद भी सरकार के मतलब सिर पे जूं तक नहीं देगी कानों के ऊपर, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को आज भी इस मंच के माध्यम से कि यूं तल्ख नजरों से बात ना कर हमसे तानाशाहो, यूं तल्ख नजरों से बात ना करो हमसे तानाशाहो, तेरी हस्ती बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं तानाशाहो। नौकरी के बाद जब वापस आएंगे घर, मुझे ऐसा लगता है कि इनके परिवार के जो आंखों में आंसू होंगे। आज मैं आपका इनका बड़ा भाई हूँ, मैं पुरानी पेंशन ले रहा हूँ तो मुझे
69,832 रुपए पेंशन मिलती है। मेरा बड़ा सम्मान से जीवन कटता है, बड़ी इज्जत होती है, चाहे सामाजिक है पारिवारिक है, बड़ा अच्छा माहौल रहता है घर का। तो मैं चाहता नहीं कि मैं भी अभी इतना 100 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र मेरी मैं मानता हूँ कि निकल जाएगी, क्योंकि मुझे सारी सुविधाएं दवाइयाँ स्वास्थ्य चिकित्सा मिनरल सब कुछ मेरे को उपलब्ध हो रहे हैं। तो वो बेचारे जो नए सब साथी आएंगे उनका क्या भविष्य होगा, क्या जीवन होगा। राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। और जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, हमने इन कर्मचारियों को सुना, वो कह रहे हैं कि तेरी हस्ती बना सकते हैं तो तेरी हस्ती मिटा भी सकते हैं लोग। चुनाव से पहले इस तरह का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में एक बड़ी रैली की घोषणा और साथ ही साथ इससे पहले पंचकुला में हुआ प्रदर्शन, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती तो नहीं होगी? देखिए, अगर इस पूरे प्रदर्शन की बात करी जाए तो आज ना सिर्फ हिसार में बल्कि पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन हुआ है। सीधे तौर पर 2024 से पहले इस तरह से एक रणनीति बनाकर पूरे हरियाणा में अपनी मुखरता दिखाना बड़ी बात है, क्योंकि अब चुनावी माहौल की अगर बात करी जाए तो अब एक तरह से हरियाणा में चुनावी माहौल एक्टिव होने में कुछ ही दिन ही कह लीजिए, क्योंकि अगर जनसभाओं का दौर कह लीजिए या फिर रैलियों का दौर कह लीजिए वो जो है लगभग शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कर्मचारी वर्ग भी अपनी आवाज को इस तरह से बुलंद करते नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर चेतावनी जो है उनकी अक्टूबर को लेकर दी गई है कि अब दिल्ली में भी एक बड़ी रैली करेंगे कर्मचारी और उसमें भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन सीधे सीधे 2024 से ठीक पहले जो है इस तरह से कर्मचारियों की तरफ से हुंकार भरे जाना अपने आप में बड़ी बात है। और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो दिन ब दिन जो है वो अपने आंदोलन को भी तेज करेंगे। जी रोहित, कितने कर्मचारी आपको आज दिखे वहां धरना स्थल पर? क्योंकि ये एक दो की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात है, ये पूरे हिसार के कर्मचारियों की बात है। और जब सरकार ये कहती है कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, तो फिर पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश यहाँ कैसे लागू हो गई? देखिए, सरकार अपने अपने तरीके से ही इस बात में तर्क देती है, लेकिन अगर कर्मचारियों की बातों की तरफ गौर किया जाए तो आपको बता दें कि हरियाणा में इन कर्मचारियों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा है, जो एक तरह से पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग को लेकर लाभबंद है। हिसार की अगर बात करी जाए तो हिसार में भी आज अच्छी खासी संख्या जो है इनकी देखने को मिली। हालांकि पंजाब, हिमाचल के साथ साथ जितने भी दूसरे राज्यों के नाम आपने गिनवाए उनमें इस दिशा में काम जो है वो हो चुका है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हरियाणा में अब 2024 में चुनाव नजदीक है, साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है अपनी ताकत के बलबूते पर चाहते हैं कि पुरानी पेंशन नीति की बहाली हो, लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में स्पष्ट किया जा चुका है। साथ ही साथ एक बार मैं आपकी निगरानी में और डालना चाहूंगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की एक तरह से हरी झंडी दी गई है। वो जो कर्मचारी हैं वो 2005 से पहले नियुक्त हुए थे और उनकी संख्या भी जो है वो करीबन 500 के आसपास है, तो ऐसे में उनका रास्ता साफ हो गया, तो इनकी भी अब उम्मीदें जगी है कि हो सकता है सरकार जो है इनकी मांगों की तरफ भी गौर करे। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।